ઓકે, તો અહીંયા રોકાણ જાળવી રાખવું ફંડામેન્ટલી પણ આ સલાહ મળી રહી છે તમને. અરોબિંદો ફાર્મામાં હજી પણ સારા રિટર્ન તમને અહીંયાથી મળી રહેશે. ત્યારે જ HSIL એટલે કે હિન્દુસ્તાન સેનિટરી વેર એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડના પરિણામો જાહેર થઈ ગયા. તેના પર વધુ વાતચીત કરવા માટે આપણી સાથે અત્યારે કંપનીના પ્રેસિડેન્ટ આરવી કાબરા જોડાઈ રહ્યા છે. કાબરા સાહેબ, સ્વાગત છે આપકા CNBC બજાર પર. ઇસ ક્વાર્ટર કે રિઝલ્ટ કો કિસ તરહ સે દેખ રહ્યા? जी साहब, थैंक यू वेरी मच आपके चैनल पे मुझे बुलाने के लिए. ये पूरा साल और ये जो हमारा क्वार्टर खत्म हुआ है 31 मार्च 2015 को, ये बहुत अच्छा रिजल्ट रहा हम लोगों का. बॉटम लाइन के हिसाब से हमारा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो करीब करीब 85% बढ़ के 56 करोड़ से 105 करोड़ रुपया हो गया है, और हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स पूरे साल के लिए 152 करोड़ हो गया है, जो करीब करीब 56% ऊपर है पिछले साल से. और हमारा एबिडा है वो 345 करोड़ रुपया हो गया है, जो लास्ट ईयर से करीब 27% ज़्यादा है. जो रेवेन्यू है वो 1965 करोड़ रुपया है, विच इज़ वेरी क्लोज टू 2000 करोड़ रुपीज़. एंड ग्रोथ जो रेवेन्यू में रही है वो 6% रही है. ये इस वक्त आप जो नंबर को, मैं एक चीज़ क्लेरिफाई करना चाहूँगा क्वार्टर के नंबर के लिए, कि जो हमारा डी ग्रोथ दिख रहा है वो एक्चुअली डी ग्रोथ क्वार्टर फोर में नहीं है. इसमें लास्ट ईयर हमारी एक सब्सिडियरी कंपनी थी पैकेजिंग प्रोडक्ट में, वो गार्डन पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड जो पेट बोतल बनाती है, उसका लास्ट ईयर मार्च में मर्जर हुआ था एज पर दी कोर्ट ऑर्डर. हमारा अपॉइंटेड डेट था 1 अप्रैल 2014, पर चूंकि कोर्ट से ऑर्डर हमको मार्च 14 में मिला था हमारे को, तो इसलिए हमारा जो 13-14 का लास्ट क्वार्टर है उसमें पूरे साल का उस कंपनी का रेवेन्यू इस एक क्वार्टर में आ गया था. इसलिए वो आपको डी ग्रोथ दिखता है फ्रॉम 667 करोड़ से 585 करोड़. पर यदि मैं कंपेरेबल नंबर निकालूं कि उस कंपनी का भी खाली एक ही क्वार्टर का नंबर जोड़ूं और उस क्वार्टर से देन कंपेयर करूं, तो करीब करीब कंपनी लेवल पे 2% हम लोगों का ग्रोथ है जी, जिसमें से 6.5% बिल्डिंग प्रोडक्ट में ग्रोथ है, बाकी थोड़ा डी ग्रोथ है हमारा पैकेजिंग प्रोडक्ट में. वो उसकी वजह से खाली 2% ग्रोथ कंपनी के नंबर में इस क्वार्टर में है, डी ग्रोथ नहीं है. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 30 करोड़ से 40 करोड़ रुपया हो गया है, और ये लार्जली हुआ है कॉस्ट कंट्रोल से. यदि हमारे रिजल्ट आप यदि ट्रैक कर रहे हैं, उन लोगों को पता होगा कि 13-14 का साल हमारा ग्लास बिजनेस के लिए बहुत खराब था. सो हमने उसके ऊपर बहुत काम किया कॉस्ट कंट्रोल के ऊपर. और ग्लास बिजनेस में जैसा कि सबको पता है कि पावर एंड फ्यूल कॉस्ट सबसे ज़्यादा होती है, सो वो करीब करीब 35-36% हमारी कॉस्ट थी सेल्स की. तो उसमें हमने जो हमारा फ्यूल था उसको एक चीपर फ्यूल से हमने सब्स्टिट्यूट किया, और उसकी वजह से हम लोगों को 8-9% हमारा फ्यूल में कॉस्ट में सेविंग हुआ. सो नाउ गोइंग फॉरवर्ड जो हमारा एबिडा है वो सस्टेनेबल लेवल इन ग्लास बिजनेस में 19-20% हो गया है, और वो रहेगा बिकॉज जो कन्वर्जन हमने किया है नाउ वो परमानेंट कॉस्ट सेविंग है. सो गोइंग फॉरवर्ड वी आर वेरी बुलिश इन टर्म्स ऑफ बॉटम लाइन ऑफ द ग्लास बिजनेस एज वेल. बिल्डिंग प्रोडक्ट ऑफ कोर्स इन दिस सेक्टर यदि देखेंगे तो हम लोगों का प्रॉफिट हमेशा एबिडा एज वेल एज पैट लेवल पे हाईएस्ट रहा है. ROC ही बिल्डिंग प्रोडक्ट बिजनेस का बहुत अच्छा है. सो ग्लास थोड़ा लास्ट ईयर ड्रैग था, वो इस साल में ठीक हो गया है, और वो क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर के रिजल्ट में ये सब विजिबल था. सो गोइंग फॉरवर्ड ये हमारे मार्जिन लेवल सस्टेनेबल रहेंगे. खाली पेट लेवल पे एक अनादर पॉजिटिव जो इम्पैक्ट आएगा वो हमारा आएगा लोन रीपेमेंट का. सबको पता है हमने 250 करोड़ रुपया अभी QIP से रेज किया था मार्च 2015 में, वो पूरा का पूरा हमने लोन रीपेमेंट में यूज कर लिया है, और हमारा एवरेज बोरोइंग कॉस्ट करीब 9% है. तो आने वाले साल में करीब करीब 25 करोड़ रुपया हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट और कम हो जाएगा. सो गोइंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर वी आर लुकिंग फॉर ग्रोथ इन बोथ बिजनेसेस एज वेल एज सब्सटेंशियल बॉटम लाइन इंप्रूवमेंट बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट कॉस्ट रिडक्शन जी. तो काबरा साहब, इस क्वार्टर में डिमांड सिनेरियो की बात करें तो कैसा रहा और आने वाले क्वार्टर्स में कैसा दिख रहा है? देखिए, ग्लास में यदि आप देखेंगे तो ग्लास थोड़ा सीजनल बिजनेस है. हमारे ग्लास के दोनों प्लांट है वो सदर्न पार्ट ऑफ कंट्री में है, तो क्वार्टर थ्री एंड क्वार्टर फोर वहाँ टर्नओवर के रेवेन्यू के हिसाब से हाइस्ट रहता है वहाँ पे उस टाइम पे. तो H2 का रेवेन्यू ऑलवेज मच हायर होता है H1 से, पर कभी क्वार्टर थ्री ज़्यादा हो जाता है, कभी क्वार्टर फोर ज़्यादा हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन कि वो लोग जो हमारे कस्टमर हैं वो लिफ्टिंग कब से शुरू करते हैं. यदि अक्टूबर में शुरू कर देते हैं जैसा कि इस साल हुआ है तो क्वार्टर थ्री स्ट्रांग हो जाता है, यदि वो नवंबर एंड में या दिसंबर में शुरू करते हैं तो क्वार्टर फोर बहुत स्ट्रांग होता है जैसा लास्ट ईयर हुआ है.
सो चूंकि हम लोग कंज्यूमर सेक्टर में हैं, हमारे जो बॉटल जाती है वो कंज्यूमर सेक्टर में जाती है, सैनिटरी वेयर इज ऑल्सो कंज्यूमर बिजनेस, सो डिपेंडिंग ऑन दी आई थिंक कस्टमर रियल एस्टेट में जो इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट है वो थोड़ा स्लो है, बाकी हम लोग रिटेल में बहुत स्ट्रांग हैं, हमारा कंट्री वाइड नेटवर्क है, तो हमारा 70% रेवेन्यू करीब करीब रिटेल सेल से आता है, वो बिजनेस ठीक है। इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट में थोड़ा उठा हुआ भी कम है, बट वी एक्सपेक्ट कि यदि इंटरेस्ट रेट गिरता है तो जो बायर अभी मार्केट में फ्लैट अपार्टमेंट खरीदने में आने से हिचक रहे हैं वो आ जाएंगे तो ये सेक्टर भी ठीक हो जाएगा। चले धन्यवाद काबरा साहब हमसे जुड़कर इस रिजल्ट्स पर पूरी जानकारी देने के लिए। तो अँ घनी इंडस्ट्रीज ने जे प्रमाणे रेट कट की अपेक्षा है, अँ जे प्रमाणे HSIL ना काबराजी कही रहा था रेट कट आए तो थोड़ा इमनी इंडस्ट्री ने अँ इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट में सपोर्ट मिली सके। तरह गई कल एशियन पेंट्स परिणामों आया था, कंपनी परिणामों अनुमान करता नबड़ा रहा था।